ओम श्री अरविंदो मीरा मु सुस्मिता महापात्र आज पाठ करने को जाऊँ सावित्री महाकाव्य द्वितीय खंड चतुर्थ पर्व चतुर्थ सर्ग संधान पृष्ठ नंबर 357। बहु समय रे गोधूली बेल रे पशुपल तांक पदखुरा धूली रे सांध्य छाया को धूसरित करी फेरिबा समय रे एवं मुखर दिवस दिग्बलयर आरपारिकु चलीजा समय रे से एक प्रशांत तपोवन रे पहुंची से ही स्थानर ध्यानमग्न धीर चेतना और मंत्रोच्चारणर भावोच्छ्वास को तांक चारि दिगर आवरण परि ग्रहण करी रात्रि रे विश्राम नेउथले अथवा केउठारे बा कोनोसी नदीर सिंहपम पाटल केशर संभार निकटरे एवं प्रार्थना घाटरे प्रतिष्ठित पूजारत तरुराजी गंबुज व मंदिरर पवित्र प्रशांत वातावरण तांक रथचक्रर धावमान गतिकु स्थिर करिबा लागि इंगित दिए एवं से सही स्थानरे विश्राम नियंती। एक पुण्य पीठ परि मने हेउथिबा स्थानरे जेउठारे मन आदि नीरवता को स्मरण करुथाए एवं हृदय को अतीतर महत बाणीर आह्वान जनाउ थाए ओ ध्याननिष्ठ ऋषि मुनि मानंकर विशाल मुक्ति सेमानंक अंतरात्मांक कालव्यापी ज्ञानर दीर्घ छाप छाड़ी दे जाइथांती सेही स्थानरे बन्ही कन्या स्वच्छ उषा किंबा ज्योत्स्ना प्लावित रात्रि रे जाग्रत रही सेही प्रशांत स्पर्श लाभ करिबा सकाशे आनत हुअंती। अपलक नयनरे सेही स्तब्ध महाज्योतिर धारा पान करंती एवं शाश्वत प्रशांतिर साजात्य अनुभव करंती। किंतु हठात प्रभात आसी तांक संधानर कथा स्मरण कराई दिए एवं से अनुच्च अमसृण किंबा तृणसज्य त्याग करी जाग्रत होई तांक असंपूर्ण यात्रा पथरे तांक जीवनर नियति निर्दिष्ट कक्ष पथरे टाणी होई एक कामना नीरव देवता मानंकु प्रश्न कला परी एवं एक तारका कौनसी एक उज्ज्वल परांतर अभिमुखे चलीगला परी से तांक जीवनर भाग्य नियंत्रित कक्षपथ अनुसरण करचलंती। सेठारु से एक विशाल निर्जन प्रांतरे आसी पहुँचिले जेउठारे मनुष्य मानव दृश्यवलीर केवल एक पथजात्री किंबा विश्व प्रकृतिर विशाल प्रसार मध्यरे जीवन रक्षण लागि एकाकी प्रयासी एवं आपणा महाविश्वर विपुलतारे अभिभूत होई आपणा अनंत्य सम्बन्धे अज्ञ रही अदृश्य जीवरूपी शक्तिमानंकु सहायता लागि आह्वान जनाए। सेठारे धरित्री देवी सावित्रींकु तांक नित्य परिवर्तित मुखमंडल बहुगुणित करी देखाई देले एवं एक सुदूर ओ नामहीन स्वररे आवाहन कले। सेठारे गिरिमाला से सबुर तपस्यामग्न एकांत तद्वारा एवं अरण्यानी अगणित संगीत संभारे सावित्रींक सम्मुखरे प्रछन्न देवतांक द्वार सबु उन्मुक्त करिदेले अथवा केउठारे स्वप्नाळु प्रांतरर अलस उदार प्रसारे सते जेपरी एक जुगर अंत परि अस्तमित आकाशर आलोक छटा तले एक मोहमुग्ध विवर्ण संध्यार मरण शज्ञासम वातावरण रे से निश्चल भावे शयन करंती अथवा पशु गुहाश्रय सम आकाशरे शिकार करिबा लागि सत्य वा मथाटेकी रहिथिबा संघत पर्वतराजीर एक उत्कंठ गोष्ठी पार होई तांक रथ गड़ी चले अथवा तांक रथ एक अज्ञात एवं शून्य राज्य देई गड़ी चले जेउठारे निर्जन शिखर भूमि सबु एक किंभूत स्वर्गरे शिविर स्थापन करी रही थाए एवं भासमान चंद्रमा तले मौन प्रहरी परी ठिया होई रही थाए किंबा निरंतर मुखरित हेउथिबा झिल्लिका रबरे पूर्ण जनहीन भीषण वन्यभूमि मध्य देई तांक रथ चली जाए अथवा निश्चल आलोकधारा परिस्नात प्रांत एवं चारणभूमि पार होई एक सुदीर्घ दीप्ति विच्छुरित सर्पिल पथ अनुसरण करी तांक यात्रा चाले अथवा मरुप्रांतर एक उद्दाम सौंदर्य मध्यरे से उपनीत हुअंती जेउठारे भूमि आदोकर्षित होई नाही
ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁପଲ ଚରାବୁଲା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟପଶୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ଓ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ସେ ନିଦ୍ରାର ଆକର୍ଷଣରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସେହି ଭାଗ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ସେ ଏକ ହିଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖଶ୍ରୀର ମୃଦୁଳ ଆଭା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକ ମହିମାମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ସେହି ରାଜକୀୟ ଦିବସଟିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। ମାସ ପରେ ମାସ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତରାବେଗ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତାପ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ଭୀଷଣ ତାପ ବାହିନୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଯେପରି ଏକ ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ୱା ଲେହନ କରି ନେଉଥିଲା। ବସନ୍ତର ସମୀରଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶ ଗଳିତ ଧାତୁ ସଦୃଶ ସ୍ଥିରାସନ ଲାଭ କଲା। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ। ନମସ୍ତେ।